ऑल राइट, देखो करने के लिए तो आपने सारा चीज कर रखा है बेटा रेडॉक्स में, लेकिन आप कैसे प्रॉब्लम को क्रैक कर पाते हो उस पर मैं थोड़ा सा एक दो डिस्कशन कर लेता हूँ ना। जैसे एक मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूँ, नॉर्मैलिटी कैसे डिफाइन करते थे, व्हाट इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी क्या है, हाउ डू वी डिफाइन नॉर्मैलिटी। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। लिखो नंबर ऑफ, हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। गॉट इट। तो अगर मैं इसको डिफाइन करो तो फॉर्मूले के फॉर्म में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं, मोल इनटू एन फैक्टर, ये सुनो, मोल इनटू और एन फैक्टर एन बाई वी, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो यू कैन एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म ऑल्सो। इसलिए अगर कभी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या सिंपली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे में लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एन इन टू एन फैक्टर, इज ओके, दैट यू हैव टू एनी वे डू दैट। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं नॉर्मैलिटी अगर हमें पता हो तो एन इंटू वी सीधे ही वैल्यू दे देते हैं, ये सुनो। अगर ये मोलैरिटी के फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये सुनो, बोलो, क्योंकि नॉर्मैलिटी मोलैरिटी, क्या कर रहा हूं मैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, सॉरी, ये मोलैरिटी था ना, ये एन फैक्टर, गॉट इट ना। तो ऐसे करके, तो इसलिए अगर आपको नॉर्मैलिटी दिया है तो आपको हैप्पी होना चाहिए कि एन फैक्टर निकालने का जरूरत सीधा सीधा आप यूज कर सकते, गॉट इट ना, समझ में आया, यहां तक क्लियर है, बोलो। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जो रेडॉक्स के अंदर रिएक्शंस पढ़े थे, सारे रिएक्शन एक ही कैटेगरी के मैंने आपको कराए थे, वो कौन से वाले बेटा, रेडॉक्स, और उसके अंदर आपने जो फर्दर कैटेगराइजेशन है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिसप्रोपोर्शनेशन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन, इनके अलावा भी तो दुनिया में रिएक्शंस होते हैं जो नॉन रेडॉक्स होते हैं। तो नॉन रेडॉक्स में इक्विवेलेंट का कोई मतलब है, अगर है तो कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। तो लिखो एन फैक्टर फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, एन फैक्टर फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, गॉट इट, किसके साथ, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा बताओ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो आखिर क्या हो रहा होगा उसमें, क्योंकि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, तो मोस्टली वो रिएक्शन कैसे होंगे, एसिड प्लस बेस, या दूसरा कौन सा रिएक्शन होगा, एक सॉल्ट एंड दूसरे सॉल्ट का जिसमें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा हो, प्रेसिपिटेट बना रहा हो, यही दो तरह के रिएक्शन होते हैं। तो यानी तीन तरह के स्पीशीज आपको मिलने वाले हैं, या तो एसिड या बेस या तीसरा सॉल्ट, यही है ना तीन तरह। अब इसे मैं मान लो इसकी बात कर रहा हूं, HCl रिएक्टिंग विथ NaOH, दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल वाले में दिखा रहा हूं, क्या बन गया, NaCl प्लस वॉटर।
क्या सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब सर ये बताओ एन फैक्टर हम कैसे निकाले इसका? अगर पहले तो देखो एन फैक्टर का एक्चुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ रेडॉक्स के लिए होता है, इट इज जस्ट द एक्सटेंशन। इसलिए इसको आप अलग नजरिए से देखो, इसमें आप एन फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला गलती से भी नहीं लगाओगे। कौन सा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे ही नहीं तो जीरो आ जाएगा, तो सारे का एन फैक्टर। तो ये एक्सटेंड किया जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं है रेडॉक्स से। तो कैसे देखते हैं? तो बोलते हैं बड़ा सिंपल रखना है इसको, एसिड के लिए जितना एच प्लस आयन वो दे रहा है रिएक्शन करते समय उतना ही उसका एन फैक्टर। कितना एच प्लस आयन दे रहा है पर मोल? ये कितना दे रहा है वो आयन? सॉल्ट के लिए इसको ब्रेक डाउन करो, जितना पॉजिटिव चार्ज आए टोटल उतना ही उसका एन फैक्टर। कभी कदर आयन्स के लिए पूछ देगा, जैसे पूछ लेगा Mg2+ का एन फैक्टर बताओ, तो इसका आंसर है 2। फॉर आयन्स सिंपली वट एवर देयर चार्जेस आर देयर दैट विल बी इट्स एन फैक्टर। एल्यूमिनियम 3+ एन फैक्टर कितना होगा? सिर्फ सिर्फ आयन्स का अगर पूछ ले तो कितने तरह के स्पीशीज आ रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लिखो एन फैक्टर फॉर एन एसिड इन द गिवन रिएक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इट हैव डोनेटेड। कितने प्रोटॉन इसने डोनेट किए उस हिसाब से एन फैक्टर ऑफ एन एसिड इन अ रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज डोनेटेड पर मॉलिक्यूल। ओके, एक ही मॉलिक्यूल से कितने प्रोटॉन गए? गॉट इट? और मान लो रिएक्शन नहीं दिया हो तो, मान लो सिर्फ ऐसे दे दे कि बताओ एन फैक्टर H2SO4 का क्या होगा, तो क्या बोलोगे? हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी उसकी है वो लिख दोगे। अगर रिएक्शन नहीं दिया हो, सिर्फ आपको नाम लिख करके पूछ दे कि बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो कैसे देखोगे? मैक्सिमम कैपेसिटी। गॉट इट ना? जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको H3PO4 का रिएक्शन मैंने कराया है, H3PO4 बताओ प्रोटोसिटी कितनी है इसकी, कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं? 1, 2 और 3। H3PO4 है यार, ध्यान से देखो बेटा क्या कर। ओके, कितना है बेटा? 3 है ना? तो कुछ ना देना तो सीधा 3 बोलना। जैसे H3PO4 के लिए एज एन एसिड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। देख OH, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें? 3। वहीं तेरे पास अगर आ जाए H3PO2 या PO3 ले लेते हैं एक बारी, कितने लोगों को स्ट्रक्चर ध्यान है? अब ये सब चीजें आएंगी यार एग्जाम में, कंफर्म है ये सब, ठीक है ना? तो पी डबल बॉन्ड हो, OH एन OH एन एच, TH बॉन्ड है, क्या ये रिप्लेसिबल है? सिर्फ ये दोनों आयोनाइज होते हैं किनारे किनारे वाले। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसका एन फैक्टर कितना है, यूजुअली रिएक्शन नहीं दिया है तो 3, लेकिन मान लो मैंने रिएक्शन दिया और मैंने बोला कि यार ये एस इतना NaOH लिया है ना कि ये बन रहा है Na2HPO4। अब मैं तुमसे पूछूं तो क्या बोलोगे आंसर? हाँ, Na2HPO4, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन निकले इसके, कितना गायब हुआ इससे? तो बस, तो एन फैक्टर अब 2 है। रिएक्शन दिया हो तो उसके हिसाब से देखोगे, नहीं दिया हो तो मैक्सिमम कैपेसिटी बोलोगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसलिए मैंने आपको पहले लिखवाया कि रिएक्शन दिया हो तो कैसे देखना है, कितने उसके प्रोटॉन डोनेट कर दिए गए। आ रहे बात समझ में? बेस का कितने OH आयन वो पर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे रिएक्शन में, तो इसका एक ही है ही OH और वो तो खत्म ही हो रहा है, तो इसलिए एसिड का कैसे देख रहे हैं? नंबर ऑफ, गॉट इट?
और अगर रिएक्शन नहीं दिया हो तो क्या करोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी है वही करो। जैसे कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि टेल मी व्हाट विल बी द नॉर्मैलिटी ऑफ, नॉर्मैलिटी ऑफ, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, वन मोलर H2SO4, वन मोलर H3PO4, वन मोलर H3PO3 एंड वन मोलर H3PO2, तो नॉर्मैलिटी क्या होगा इनका अगर इनमें, बोलो। तो कितने लोग कह रहे सर नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू, तो मोलैरिटी हमें पता है वन, एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, तो इसकी नॉर्मैलिटी टू नॉर्मल, थ्री नॉर्मल, टू नॉर्मल, वन नॉर्मल। समझ में आया ना, गॉट इट ना। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो सीधा सीधा रिएक्शन, रिएक्शन नहीं दिया हो तो रिएक्शन दे दे, तो देखो इसमें कितने गायब हुए, क्योंकि जो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं एक से ज्यादा दिन के एच निकल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे रिएक्शन में कंज्यूम हो, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ बेस कितना लिया है। तो मान लो मैंने दो ही मोल लिया है सिर्फ इस, तो दो लूंगा तो दो गायब करेगा। वही अगर सेम रिएक्शन दू और बोलूं कि यार इस बार ना मैंने NaOH ज्यादा ले लिया, तीन मोल ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये Na3, तो क्या करोगे, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, हाँ एक मोल से कितना उपज गया है, कॉफिशियंट मत देखना उसका कितना मोल, गॉट इट ना। अच्छा ये तो रही किसकी बात, आरेनियस एसिड बेस की, क्योंकि जो ओएच दे रहा है जो एच प्लस, एसिड बेस में तो हमने और भी कहानियां पढ़ रखी, कौन सी, ब्रॉन्स्टेड एस, इसलिए बोला था कि थोड़ा रिलेटेड है ना, बट इतना है कि उतना आप काम चला लोगे, गॉट इट। तो आपने लिख लिया, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लो सब फटाफट, हाँ ये नोट करके लिख लेना कि एन फैक्टर फॉर एन एसिड, जो मैंने आपको बताया कहानी कि रिएक्शन दिया हो तो कितने प्रोटॉन जाएंगे, दूसरा लिख लेना इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन देन एन फैक्टर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एच प्लस इट कैन डोनेट, उसकी कैपेसिटी लेते हैं, इफ द एन फैक्टर, इफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन देन एन फैक्टर ऑफ द एसिड विल बी द मैक्सिमम प्रोटॉन दैट इट कैन डोनेट। सभी को क्लैरिटी है, समझ में आ गया, एग्जाम्पल से सारे लिख लो। हाँ सिमिलरली फॉर बेस हाउ मेनी ओएच आयन इट कैन डोनेट इफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन, एंड अगर रिएक्शन दिया है तो कितने ओएच उसने दिए। गॉट इट। अब कहोगे सर कोई एन फैक्टर टू वाला बेस बताओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, एन फैक्टर टू वाले बेस मैं आपको दिखाता हूं, इसको नहीं मिटाऊ, एन फैक्टर देखो बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताओ एन फैक्टर कितना होगा, लेकिन अगर एक बात बताओ, मैंने मान लो ऐसा दिया हो कि यार मैंने जो HCl के साथ रिएक्ट कराया इसका एक ही मोल लिया, तो कितने लोग कह रहे एक मोल लोगे तो सर इसका अगर वन मोल लिया है तो हाफ इसको खत्म करेगा, मतलब कि ये बनेगा CaOHNCl, ये सुनो बोलो, यही होना बोलो भाई, या मैग्नीशियम मान लो ले लिया फॉर दैट, तो अब क्या बोलोगे यहां पे, अब क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल सही, अब वन होगा, तो रिएक्शन ना दिया हो तो अलग तरीके से देखना है, दिया हो तो कितना रिप्लेस कर रहे हैं वैसे, गॉट इट। एसिड का क्लियर हो गया बेस, कौन से एसिड बेस मैंने बताया अभी, आरएनए। फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस के लिए कैसे देखेंगे, आसान है वो तो, यार ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में होता ही क्या है,
प्रोटॉन एक जगह से निकलता है दूसरे जगह चला जाता है, यही होता है ना। और जितने रिएक्शन तुमने देखे होंगे एक ही प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, इजंट इट। जैसे आपको कितने लोगों को ध्यान है कि CH3- रिएक्ट्स विद अमोनिया, इट ट्रांसफर्स प्रोटॉन, इट बिकम CH4 एंड NH2-। ये रिएक्शन देखने आता है सबको। देखो ये दोनों पकड़ो, ये दोनों एसिड है ना, ये कैसा काम कर रहा है, बेस का प्रोटॉन ले रहा है, ये एसिड है, इन दोनों में बेटर एसिड कौन है, NH3। कैसे मालूम, सेम पीरियड में जब रहे हाइड्राइड तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम ग्रुप में आ जाए तो क्या देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी और साइज, यही है ना। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा बेटर एसिड ये, तो ये ऐसे हो गया। अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस डब्ल्यू बी हो गया, है ना। अगर ये डब्ल्यू बी है तो ये डेफिनेटली एस बी हो गया, एस बी एस ए विल गो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल गो इन टू वीक एसिड एंड यही होता रिएक्शन। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, वन। इसका एन फैक्टर क्योंकि इसने वन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसने वन प्रोटॉन, तो अब यहां OH है ही नहीं ना, यहां कैसे लगाओगे। जैसे अभी तो मैं यहां पे बता रहा था आपको कि एन फैक्टर फॉर आरएनएस बेस विल बी नंबर ऑफ OH माइनस दैट इट इज डोनेटिंग इन अ रिएक्शन और द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन इज नॉट गिवन। हाउ अबाउट दिस, इसमें तो OH एन कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इनमें एसिड के लिए जितना प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट किया सॉरी डोनेट किया और बेस के लिए जितना प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट किया। अब इसी को इंप्रोवाइज करते हैं लुईस एसिड बेस पे, जितने लोन पे डोनेट किया हो वो उसका एन फैक्टर और जितने लोन पे एक्सेप्ट किया हो वो एसिड का, दैट्स इट, इट इज दैट क्लीन। हाँ उसकी जैसे ही है क्योंकि इसमें कोई रेडॉक्स चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, समझ गए ना, बोलो। तो ऐसे करके देखेंगे हम एसिड बेस के लिए। सॉल्ट्स के लिए अगेन रिएक्शन दिया है तो क्या देखना है, नहीं दिया है तो क्या देखना है, अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो क्या देखना है। तो सॉल्ट के अंदर आपको मालूम है कैटायनिक पार्ट होता है एनायनिक पार्ट होता है, तो आप जब ब्रेकडाउन करोगे तो जितना नेट पॉजिटिव है उतना ही नेट नेगेटिव भी होता है, तभी तो बैलेंस होता है। तो ईदर द नेट पॉजिटिव चार्ज और ईदर द नेट नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी ले लो आंसर सेम ही आएगा। सो फॉर सॉल्ट एन फैक्टर इज टेकन एज द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायनिक पार्ट और द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायनिक पार्ट। अब आप कभी ऐसी गलती मत करना, जैसे मान लो मैंने एक दे दिया सॉल्ट आपको, आपको दे दिया मैंने सॉल्ट अमोनियम सल्फेट .5H2। अब मैं आपसे पूछूं इसका एन फैक्टर कितना है, तो इसका कैटायनिक पार्ट सिर्फ ये है, वाटर का पार्ट नहीं है, वाटर को मत तोड़ देना सर ये तो 5H+5OH- तोड़ दिया, ऐसे नहीं, ये तो सिर्फ न्यूट्रल चीज है यार। सोचो ना सॉल्ट बनता किससे, एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से। तो उसी फिलोसफी पे काम करना है कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव 2 अमोनियम आयन + 1 सल्फेट आयन, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, या तो यहां से लो या तो यहां, सॉरी ये प्लस वन है ना, तो +2 × 1 कितना होता है 2 और यहां पे जितना टोटल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ Al2SO4 3 का एन फैक्टर बताओ, हाँ इसको ब्रेक करो तो 2 एल्यूमिनियम 3+, बस कैटायन पार्ट देख लो, और एनायन में भी देखोगे तो 3T2 कितना है, वो तो दोनों सेम ही होता है, तो लिख लो फॉर सॉल्ट एन फैक्टर For salt, n factor will be total positive charge on cationic part or total negative charge on anionic part. सभी को समझ में आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायनिक पार्ट, दैट्स हाउ वी सी दैट, इज दैट क्लियर। बोलिए यहां तक सबको क्लियर है, तो ये तो रही नॉन रेडॉक्स की बात। अच्छा रिएक्शन दिया हो तो कैसे सोचेंगे, तो यार यही देखो
कितने एच प्लस कितने ओ एच आयन ट्रांसफर होके ये सॉल्ट बना है। जैसे अब यही था, हमने एक रिएक्शन किया था यहाँ, यहाँ मैं पूछूँ बताओ कितना होगा एन फैक्टर इसका, ब्रेक करो कैटायनिक पार्ट में कितना, टू थ्री नहीं करना है, एच प्लस कैसे निकाल दिया यार, एच प्लस यू क्यों निकालोगे, एन टू एन ए टू है ना, तो इसको ब्रेक करो तो क्या बनेगा, एच पी ओ फोर इज अ यूनिट ऑफ नेगेटिव आयन, यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक दिस। एच पी ओ फोर क्या है, इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि पी डबल बॉन्ड ओ था, तीन ओ एच थे लेकिन दो एच निकल गए और एक बचा रह गया, तो ये तो नेगेटिव आयन का पार्ट है ना, यू कैन नॉट ब्रेक दिस, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये आसान है क्योंकि हमें रेडॉक्स में बैलेंसिंग करना पड़ता है, इधर उधर सारा दिमाग लगाना पड़ता है तब होता है, नॉन रेडॉक्स में कुछ नहीं करना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में कितने एच प्लस कितने ओ एच माइनस एंड कितना कैटायनिक का चार्ज, गॉट इट। अब ये तो हो गया बड़ा सिंपल सा रिएक्शन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मान लो इसी को थोड़ा घुमा के दिखाता हूं, जैसे अभी देखो इसको तुम्हें दिखाता हूं, एन ए एच टू पी ओ फोर, अब इसको तुम क्या लोगे बताओ, क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक दिस, नो 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 नो, विल यू कंसिडर दिस एज एन एसिड और सॉल्ट, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान ढंग से देखो तो इट इज एन एसिडिक सॉल्ट इजेंट इट, क्यों, क्योंकि सर इसमें सॉल्ट के नाम पे तो कहानी है ही, लेकिन अभी इसके पास दो और हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किए जा सकते हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको ट्रीट कैसे किया है, उसके लिए रिएक्शन जानना पड़ेगा। तो मान लो एक रिएक्शन तो यही हम मैं ले लेता हूं कि एन ए ओ एच वेन ट्रीटेड विथ एच थ्री पी ओ फोर एंड फॉर्मिंग एन ए एच टू पी ओ फोर प्लस एच टू ओ, इन दिस रिएक्शन इट इज बिहेविंग एज सॉल्ट, सपोज इफ आई हैव गिवन लाइक दिस एन ए एच टू पी ओ फोर प्लस टू एन ए ओ एच, क्योंकि अभी भी दो एच प्लस निकाले जा सकते हैं, एंड फॉर्मिंग एन ए थ्री पी ओ फोर, इन दिस केस हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट इज बिहेविंग एज एन, तो इसका एन फैक्टर यहां कितना होगा, टू, क्योंकि दोनों एच गायब हो गए, और यहां इसका एन फैक्टर कितना होगा, जस्ट वन, क्योंकि यहां ये सॉल्ट की तरह काम किया है, इसलिए आंखें खुली करके रिएक्शन जब दिया हो तो उस हिसाब से देखना ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ये मत बोल देना कि ये तो सॉल्ट है या एसिड है, वो रिएक्शन देखो उसके हिसाब से डिसाइड। और इसके केस में अगर उसने बिना रिएक्शन दिए पूछा तो आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इज ही इज द एग्जामिनर टेकिंग दिस एज अ एसिड और ओके, अदरवाइज आप नहीं बता सकते, रिएक्शन दिया हो तो ही बता सकते। तो यहां तक समझ में आया, बोलो क्लियर हुआ, तो क्या इसके भी प्रॉब्लम को हम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते, क्यों नहीं कर, एक्सटेंशन है बिल्कुल सॉल्व कर सकते। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मिटा दूं ये पूरा, जैसे एक एग्जांपल दे करके मैं आपसे बोल दूं, ये देखो, तो ये थे पहले वाले पोर्शन जहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था, दूसरा प्रेसिपिटेशन पीपीटी जहां पे डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट पीपीटी ड्रिवन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब ये पूरी तरीके से सॉलिबिलिटी पे, जैसे बताओ सिल्वर आयन के एजी प्लस के बहुत कम सॉल्ट है जो सॉलिबल है, कोई नाम बता सकते हो कौन सा, AgNO3 सॉलिबल, AgCl इज प्रेसिपिटेट, सिल्वर का सिर्फ नाइट्रेट पूरी तरीके से सॉलिबल होता है, और सिल्वर का कुछ अच्छे से सॉलिबल नहीं होता, थोड़े बहुत क्वांटिटी में फ्लोराइड एंड नाइट्राइड दोनों चलते हैं, नाइट्रेट पूरी तरीके से, नाइट्रेट हल्का फुल्का, और बाकी सब प्रेसिपिटेट। जैसे अगर मेरे को रिएक्शन कराना हो तो मैं बोलूंगा बेटा मैंने NaCl लिया है और इसके साथ मैंने AgNO3 ले लिया, क्या बनेगा, तो आंसर इज AgCl का प्रेसिपिटेट और क्या बनेगा, NaNO3। अब कोई पूछे व्हाट इज एन फैक्टर, तो यार ये सॉल्ट है ना, यहां भी सॉल्ट है तो सॉल्ट वाला कंसेप्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कनेक्ट, क्यों AgCl2, क्यों, सिल्वर का प्लस वन ही होता है और नाइट्रेट पे माइनस वन ही होता है, अरे यार HNO3 से डिराइव्ड है ना नाइट्रेट,
H प्लस एन एनओ थ्री माइनस, क्या कर रहे हो? एजीसीएल टू क्यों होगा, ओनली एजीसी। ओके, अब ये ऐसे ही देखो, जैसे मैंने अभी सिल्वर के बारे में और एक रिएक्शन में करा सकता हूं। मान लो बेरियम क्लोराइड है और यहां मैंने AgNO3 दे दिया, तो भी क्या बन जाएगा, 2AgCl, और ये क्या बन जाएगा, बेरियम नाइट्रेट। तो यहां तो सारा का सारा क्या है बेटा, सॉल्ट ही है। बता इसका एन फैक्टर कितना होगा, जल्दी बोलो, 2। इसका एन फैक्टर बता। हाँ बिल्कुल 1। ये कॉफिशियंट पे मत जाना, ये सॉल्ट के अंदर कितने कैटायनिक पार्ट पड़े हुए हैं उसका चार्ज देखो। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। इसका एन फैक्टर बता, इसका एन फैक्टर बता, बस इतना प्लेन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, सिल्वर का एकमात्र कंपाउंड सॉल्युबल है, बेरियम के कंपाउंड्स में खास करके बड़े नेगेटिव आयन आ जाए, तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको कराया था ये बात, कि जब नेगेटिव आयन बड़े हो जाए तो हाइड्रेशन से देखो, और हाइड्रेशन में देखोगे तो बेरिलियम सबसे ज्यादा सॉल्युबल, उसके नीचे आते आते सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बेरियम रेडियम तक। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, तो इसलिए बेरियम सल्फेट, बेरियम क्रोमेट, ये सब इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको ऐसे भी रिएक्शन कराया जा सकते हैं कि BaCl2 लिया और साथ में सोडियम सल्फेट ले लिया, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल, एन प्लस NaCl। लेकिन कहानी सब में वही है, यहां पे कुछ भी चेंज कराया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। एकदम सिंपल सी कहानी है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के नजरिए से देखना है, कब जब रिएक्शन कैसा हो जाए, नॉन रेडॉक्स, हाँ नॉन रेडॉक्स हो जाए। अब इक्विवेलेंट वाला कैसे लगाना है, तो देखो एक करके दिखाता हूं। जैसे मान लो तुम्हें दिया हो 0.1 मोलर एंड 2 लीटर, और पूछे बताओ सिल्वर नाइट्रेट का 0.2 मोलर का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन मार्क दे दिया आपको, तो आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या बोलते हो, कि इसका इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू इसका। अब इसका इक्विवेलेंट के लिए मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, एन फैक्टर बस देखना है, एन फैक्टर कितना था, तो आप क्या लगाओगे, 0.1 × 2 × n² 2 = इसके लिए 0.2 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं पता इंटू एन फैक्टर 1, आ गया आंसर। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते। अच्छा मजे की चीज है, अगर मैं बोल दूं कि ये हम मेरा 10 लीटर लिया था, अब बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो एक्सेस हो जाए वो एक्सेस रिएजेंट, जो कम हो जाए वो, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट से, इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर। अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, एक का 5 दूसरे का 15 है, तो 5 5 रिएक्ट करेगा, 10 बचा रह जाएगा, समझ गए ना। तो बताओ इस केस में किसके इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो 0.1 × 2 × 2 कितना आ गए, 0.4, ये 0.2 × 10 2 × 1 2 आ गया, ये 0.4, कौन एक्सेस है, ये एक्सेस। अच्छा पूछे कि ये कितना AgCl बनेगा इक्विवेलेंट्स में, तो यार जो कम वाला था वही आंसर हो जाएगा। अच्छा उसका मोल कितना बना, इज इक्वल टू एन इंटू एन फैक्टर लगा के एन फैक्टर 1 ही निकाल लो। या तो ये सॉल्ट वाले इतने आसान होते हैं, इक्विवेलेंट लगाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुरंत बैलेंस हो जाते हैं। जब तुरंत बैलेंस हो जाए तो जिस पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी हो वही मेथड लगा के निकाल लो, अदरवाइज यू कैन यूज द इक्विवेलेंट कंसेप्ट एज वेल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी हैंडी टूल। सभी को समझ में आ गया, यहां तक सबको क्लैरिटी आ गई। चलो तो इसी के साथ आपका नॉन रेडॉक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ
कर लिया ना बेटा सभी ने? अच्छा तरनजोत, अमोनियम सल्फेट डॉट फाइव एच टू में पूछ रहा है कि सर इसमें एन फैक्टर, अमोनियम सल्फेट डॉट फाइव एच टू बताओ भाई तुम लोग बताओ क्या आएगा? यस एन फैक्टर विल बी बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, एच टू ओ को आप मत सोचो सिर्फ इसको सोचो, तो केटायन पार्ट क्या हो गया? अमोनियम आयन, टू अमोनियम आयन, सो टू इंटू वन टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? टू, सो एन फैक्टर विल बी टू. ओके यस, तो देखो रेडॉक्स के पोर्शन एंड नॉन रेडॉक्स के दोनों आपके कवर हो गए. अब कुछ कुछ जो असाइनमेंट मैंने दिए थे उनमें से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा लेना, ठीक है? उनमें एक क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. जैसे मान लो अजीबोगरीब कॉफिशियंट्स आ जाए तो ऐसे केस में हम कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हैं? जैसे बताओ कार्बन फैमिली में बेटा लेड तक जब जाते हैं तो आपको मालूम है इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP2, तो इसके कॉमन स्टेट क्या है, 2 and 4. तो चलो PbO बने तो समझ आता है, PbO2 बने तो भी समझ आता है, लेकिन Pb3O4 बन जाए तो समझ से परे हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में आपको लगेगा कि सर ये तो 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपने तो बताया ही नहीं, 8/3 कहां से आ जाएगा? तो एक्चुअली ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इट कंटेन्स बोथ ऑफ देम, दिस एंड दिस. देखो ना 8/3 का मतलब क्या है, 2.66, बोलो ना. तो ना तो एग्जैक्टली ये 3 है ना तो 2 है, इसका मतलब सॉरी ना तो 2 है और ना तो 4 है, इनके बीच में है तभी तो 2.66, इसका मतलब एवरेज वैल्यू है. आ गया बात समझ? अब इसको करने का देखो एक तो तरीका ये होता है कि अगर आपको सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है ना कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. जैसे अगर मैं लिखूं कि यार PbO ले लूं एंड PbO2 ले लूं और चेक करता हूं सिंपल कॉफिशियंट लगा करके 1 and 1, देखता हूं क्या ये Pb3O4 बन पाएगा, तो दिख रहा नहीं बन पाएगा, 1 Pb2. अच्छा अब मुझे ऑक्सीजन 4 रखने हैं Pb3O4, तो मैं यहां 2 लगा दूं तो Pb3 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 4 और 1 5, यानी 2 यहां लगा दूं तो बन गया क्या? तो बड़ा एकदम तुरंत दिख गया कि अच्छा सर इसका मतलब इसके अंदर जो 3 लेड है 3 Pb इज देयर और उनमें से 2 ऑफ देम 2 Pb इज प्रेजेंट इन +2 फॉर्म एंड 1 Pb इज प्रेजेंट इन. अब आपसे मैं पूछूं परसेंटेज लेड इन +2 तो क्या आंसर आएगा? तो 2 divided by 2 plus 1 into 100. अरे बोलो ना इतने परसेंट ऐसे रेशियो पूछ दूं लेड +2 to lead हो जाएगा. ऐसे बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन आयरन का भी आता है, Fe3O4, ये भी सोच लेते हैं आयरन के स्टेट क्या होते हैं, आयरन +2 एंड आयरन प्लस. आपसे मैं पूछूं कि +2 का परसेंटेज इसमें कितना है, निकाल नहीं लोगे, तो इसको पहले ब्रेक डाउन करो, FeO एंड Fe2O3 यही दो बनते हैं. बोलो भाई अब बताओ क्या इनको सिंपल 1:1 रखने से ये मिल जा रहा है क्या, देख लेते हैं. हाँ मिल जा रहा है, तो बात ही खत्म यार. तो इसमें आयरन कितने प्रेजेंट है, 3, इन 3 आयरन में से +2 में कितने हैं, 1, एंड +3 में कितने, 2 ना, Fe2 है यहां पे ना +2, समझ गए? तो यहां भी परसेंटेज निकल जाएगा आयरन का निकलना. लेकिन कभी बड़े अजीब से भी कॉफिशियंट है 0.95 या 98 या 0.9 ऐसा, मान लो मैं 9 वाला ही केस ले लेता हूं, वैसे यहां कुछ भी हो सकता है. अब ऐसा दिया हो तो कहोगे ये क्या हो गया यार, 2, 3 तो समझ में आ रहा है, ये तो ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है. अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी आपको करने में. तो एक तरीका इसको ऐसे है कि आप ना, क्योंकि देखो हम सिंपल कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 0.9 को मैं 9 बनाऊं क्योंकि अजीब लग रहा है देखने में, तो जब 9 बनाओगे तो क्या आ जाएगा, Fe9O, आ रहा है क्या बात समझ? या फिर मैं क्या कर सकता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, Fe90 एन ऑक्सीजन. अब बताओ ये 90 ये 100 इसको करना है, इस मेथड से तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया. अब कैसे करें, तो बोलते हैं दिमाग लगाओ, चार्ज बैलेंसिंग भी एक तरीका है, उससे भी कर सकते हैं. बताओ भाई टोटल नेगेटिव कितना है, नेगेटिव कितना है इसमें, 100 ऑक्सीजन है और उस पे -2, इसका मतलब पॉजिटिव कितना होना चाहिए, होना चाहिए. अच्छा इसमें कितने आयरन है टोटल,
90, इनमें मैं मान ले रहा हूं आयरन प्लस टू में x है, तो आयरन प्लस थ्री में कितने होंगे 90। अच्छा दोनों के चार्जेस का सम कितना आना चाहिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो x इंटू टू ये चार्ज हो गया इसका, और थ्री टाइम्स ऑफ 90 माइनस x इज इक्वल टू कितना चार्ज, टोटल पॉजिटिव मस्ट बी, टोटल पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव, यही कंसेप्ट लगाया है बस, क्योंकि सिंपल कॉफिशियंट रहते तो मैं फटाफट बिना ये सब, क्या ये रूल इसमें नहीं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं यार, एकदम लगा सकते हैं, बड़े प्यार से आंसर आएगा, दिस इज द यूनिवर्सल वे ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम। ये थोड़ा जल्दी और जल्दी निकाल लेने का, इतना क्यों मल्टीप्लाई करना, ऐसे कर लेना, समझ में आया। तो क्या आप इक्वेट करो, ये 2x हो गया, ये माइनस 3x, कितना आ गया माइनस x, तो माइनस 70, x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब इस 90 आयरन में से 70 किसमें है, इसमें, तो इसमें कितने हैं 20। अब क्या परसेंटेज नहीं निकाल लोगे, इसका निकालना हो तो 20 अपॉन 90 इंटू 100, इसको निकालना हो तो 70 अपॉन 90। तो ये थोड़ा अलग से हटके प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में ही है, आप लोग इसको, कई लोगों ने डाउट पूछा तो मैंने सोचा क्लास में डिस्कस कर देता हूं। क्या आ गया, इजी था ना, ये टफ नहीं है, बस चार्ज बैलेंसिंग का दिमाग में लगाना है उसके हिसाब से, इज दैट क्लियर। एक और टाइप का प्रॉब्लम है जो बड़ा तंग करता है, वो कौन सा है, जैसे खास करके ऑक्साइड वाला, जैसे मान लो मैंने बोल दिया, मिटा दो ना इसको, लिखना है तुम लोग को, लिखना है तो एक शॉर्ट नोट बना लो कैसे लिख रहा हूं, या इसके एटलीस्ट फोटो ले लो, समझ में आता है जो। कर लिया, सबसे आसान तरीका ये वाला है जो मैंने बोला, इससे कोई भी प्रॉब्लम लगाओगे लग जाएगा, अजीबो गरीब कॉफिशियंट हो या स्ट्राइक ही नहीं कर रहा हो कि इसको इस फॉर्म में करना है तो भी हो जाएगा ये, गॉट इट, ये नहीं समझ में आगे ना, ठीक मिटा दो, अब मिटा दे, अब देखो एक न्यूमेरिकल है जो इस तरीके से तंग करता है, हालांकि इक्विवेलेंट पे है, बड़ा आराम से होना चाहिए, बट फिर भी नहीं हो पाता है बच्चों से। जैसे ऐसे लिखा रहता है कि एक मेटल है, सपोज करो ये 2 ग्राम है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पे कुछ मेटल का ऑक्साइड बना रहा है, इसका कितना चार्ज है वही कंफर्म नहीं है मेटल पे। जैसे हो सकता है अगर सोडियम होता तो प्लस 1 होता, मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, लेड है तो प्लस 2 प्लस 3 कुछ भी हो सकता है, सॉरी 2 एंड 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां मान लो इस पे कुछ भी हो, मान लो प्लस n है या x में मान ले रहे हो, क्योंकि n बार बार मोल को समझाता है, तो x मान लिया और ऑक्सीजन पे माइनस 2 क्रॉस करोगे तो M2OX, ये सुनो ऐसा बने ऑक्सीजन का चार्ज यहां और इसका। अब यूजुअली आपको लिखा रहेगा कि 2 ग्राम ऑफ दिस व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, लेट अस कंसिडर 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, क्या ट्राई करोगे, मैं देखूंगा, हो सकता है कुछ लोग निकाल भी लो, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है बट ये तंग करता है बहुत ज्यादा बच्चों को। लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो कि 2 ग्राम ऑफ अ मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, देन वॉट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। टू ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ थ्री ग्राम ऑफ सॉरी
combines with oxygen to form 3 gram of metal oxide, then what is the equivalent weight of metal? बताओ पहले तो पहचानो क्या ये redox reaction है कि non redox? पहचानो पहले. हाँ redox. अरे यार redox नहीं होगा तो ये reaction ही नहीं होगा, क्योंकि M0 state में इधर plus में जा रहा है तभी तो oxide बन रहा है. It is a redox. तो दिमाग redox का लगाना है. लगाओ लगाओ देखो. 1 minute I'll give you to think over it कि कैसे solve करें. Find the equivalent weight of metal. और इक्विवेलेंट वेट का सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाँ, कि मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही होता है ना. चलो अब मजे की बात क्या है, इसका मोलर मास भी नहीं पता है और एन फैक्टर भी नहीं पता है, दोनों ही अननोन है. नहीं तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के हो सकता है शायद ये डायरेक्ट आ जाए. डायरेक्ट आ जाए. थिंक अबाउट इट. आंसर लाइज इन द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट. वहां से कुछ करोगे तो निकल जाएगा, और कोई तरीका नहीं इसको सॉल्व करने. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इतना हिंट मैंने दे दिया. ग्राम्स मेटल ऑक्साइड यार उसी के ऊपर लिखा है, स्टेटमेंट भी लिखवा है. तुमको लैग होता है क्या? थोड़ा लिखो लिखो ना साथ के साथ. फिर जो लिखवा रहा तो पहले उसको लिखो, बाकी बैकलॉग पीछे पीछे कवर. स्ट्राइक किया किसी को? किया? मैं करूं सॉल्व? अच्छा करो. इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है. स्ट्राइक करेगा तुरंत हो जाएगा, नहीं तो सोचते रहो. अच्छा चलो ठीक है, स्टॉप राइटिंग. हो सकता है आप सही डायरेक्शन में हो. अप्रोच चेक कर लो. देखो कैसे करना है. एज पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ M2OH. ये सुनो, मेटल ऑक्साइड. सब लोग अग्री करते हो? अच्छा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होता क्या है? मोल इनटू एन फैक्टर. बोलो ना. या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, या फिर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. ये भी तो होता है. अच्छा अब देखो, जहां जो डेटा लिया है वहां वो चिपकाओ. एक बार बताओ, 2 ग्राम से ये कितना बन रहा है? क्या इसका एन फैक्टर पता है? बोलो ना. क्या पता है? मास पता. मास पता है ना? बोलो. तो इसका करोगे तो अननोन हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट एम अपॉन ई. और अगर इसकी इक्वल किए तो यहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा यार, इसका भी इक्विवेलेंट वेट. जब यही नहीं पता तो वो कैसे निकल जाएगा? तो सबसे बढ़िया क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपसे हिडन है उस पर सोचो. कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन का हमें सब कुछ पता है. क्या पता है बताओ जरा? तो एन फैक्टर कितना, जल्दी बोलो. तो जल्दी बोलो, इसका एन फैक्टर कितना? जीरो. कौन बोल रहे जी? जीरो एन फैक्टर हो सकता है क्या कभी? कितना जल्दी बताओ. हाँ 2 इज द राइट आंसर. क्या सोच रहे हो बेटा? 2 नहीं बल्कि 4 होगा. जीरो से ये कहां गया होगा? -2 में ही तो. कितने का चेंज हुआ? 2. कितने ऑक्सीजन है? अब यार इतना नहीं सोचोगे तो फिर तो क्वेश्चन हो चुका. एन फैक्टर ऑक्सीजन का 4 है. ये क्लियर है? कहोगे सर आप तो बोले थे सब पता है, तो एन फैक्टर तो फिर भी समझ आ गया. अच्छा
ये तो नहीं तकलीफ में आ रहे हो ना सर, बिना बैलेंस किए हुए कैसे कर दिए? क्योंकि मैंने आपको समझाया था, हाफ रिएक्शन का जो वैल्यू आए सिंगल स्टेट में जा रहे हो वही उसका आंसर होता है, क्योंकि जब बैलेंसिंग के लिए कॉफिशियंट इसका लेके चलते हो तो इलेक्ट्रॉन में भी वो मल्टीप्लाई होता है कॉफिशियंट में भी, तो इसलिए वो रेशियो गायब हो जाता है, इसलिए उस बात को दिमाग में बिठा के रखना है। तो एन फैक्टर विल बी 4। नाउ कमिंग टू द थिंग कि सर एन फैक्टर तो पता है, मोल कहां पता है? पता है मोल, ध्यान से देखो तुम्हें दिख रहा है। कैसे मोल पता है? ये 2 ग्राम से ये कितना बना, क्या कंबाइन हुआ? 1 ग्राम ही तो ऑक्सीजन कंबाइन हुआ होगा यार, यही हिडन था जो नहीं दिया हुआ था, सारा आंसर ही वहीं से आने वाला है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 ग्राम कंबाइन, तभी तो 2+1 इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यार समझ में आया? तो बस खत्म हो गया, इन दोनों को पकड़ते हैं आंसर आ जाएगा। देख इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इसके लिए मोल इनटू एन फैक्टर। बता इसका मोल कितना है? 1 ग्राम अपॉन 32, 16 × 32 है ना, इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 4। इसका मास 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बोलना मोटू, हाँ ई ही रहने दो, सही बात है। तो ये कितना आ गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई की वैल्यू कितनी हो? 16। मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? कहीं से समझ में ही नहीं आता कैसे करना है, जो बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। सबसे काम का स्पीशीज ही वही था हमारे लिए, ऑक्सीजन। हाँ अब इसका निकालना हो तो क्या निकल नहीं जाएगा? इसको भी वहीं से करो, इसका पता है तुम्हें, इसका मास पता है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वहां से निकाल लो। अरे आया क्या समझ में? अब इसी पोर्शन को खूब घुमा घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। कभी ऐसा मैं दे दूंगा कि व्हेन मेटल ऑक्साइड हीटेड विथ हाइड्रोजन देन इट गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ मेटल, यार घूम फिर करके वही। कभी मैं इस साइड से इस साइड जाऊंगा, कभी रिड्यूस करके इसको दूंगा। कहानी में बस इतना दिमाग में रखना, मेटल कितना ग्राम है, ऑक्साइड कितना ग्राम है, उसका डिफरेंस ऑक्सीजन रिएक्ट किया होगा। और ऑक्सीजन का अगर तुम्हें कहानी पता है एन फैक्टर का, ये गलती कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। एन फैक्टर तो उसका 4 आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, देन यू कैन डू। तो अगर ये गलती नहीं करोगे तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके सो दैट्स ऑल।